हेलो दोस्तों, मेरा नाम है गौरव और आज मैं आपको बताऊंगा कि हम स्टील के डब्बे से कूलर कैसे बनाएं। स्टेप बाय स्टेप आप देखिए कि मैं कैसे करता हूं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने इस पे निशान लगाने हैं, चारों तरफ ऐसे ही निशान लगाने हैं ताकि हम यहां से इसकी कटिंग कर पाएँ। चारों तरफ से हमने एक बराबर निशान लगा के कटिंग करनी है। जैसे आप देख पा रहे होंगे, मैंने इसको तीनों साइड से काट लिया है। अगर हमने इसको काट तो दिया, ये देख सकते हैं, ये आप ये जो बाहर निकल रही है ये हमारे हाथ काट सकती या कुछ कर सकते, तो हम इसको फोल्ड करेंगे अंदर की साइड इसको। चलिए फोल्ड करते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, हमने सारी साइडें इसकी कवर कर दी है अंदर को, ताकि अब किसी का हाथ वगैरह नहीं कटे इससे। ये देखिए, हमें लेना है ये कटा हुआ टीन का टुकड़ा और हम इससे बनाएंगे पंखड़ियाँ। ये देखिए, हमने सर्कल बना लिया, उसको हमने कट करना है। ये देखिए, सर्कल कट हो चुका है। अब हमने इससे पंखा बनाना है। सबसे पहले हमने इसके ऊपर लाइनें ड्रॉ करनी है। जैसे कि देख पा रहे होंगे, मैंने लाइनें ड्रॉ कर दी हैं और हमें इसको काटना है। लाइनों के ऊपर से हमें इसको कट करना है। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, हमने इसको कट कर लिया है और हम इसको सीधा करके हल्का हल्का इसको हमने ऊपर की तरफ ऐसे फोल्ड करना है। जैसे ये देखिए, मैंने फोल्ड कर दिया है। अब हमने एक मोटर लेनी है। मेरे पास मोटर है, ये देखिए, ये मोटर हम इसमें अटैच करेंगे यहाँ पे। चलिए इसको अटैच करते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, मैंने इसको इसके मोटर के साथ जोड़ दिया है। अब हमें इसको उसमें लगाना होगा। चलिए लगाते हैं। ये लगाने से पहले हम इसको कट कर लेते हैं इसके साइज़ का यहाँ पे। चलिए कट करते हैं। ये देखिए, मैंने इसको काट दिया है और काटने के बाद वैसे ही फोल्ड करना है जैसे हमने बाकी सबको करा है। अब हम पंखा लगाते हैं, ये पंखा लगाते हैं इसमें। चलिए लगाते हैं। देखिए, हमने इस तरह से इसके पीछे पत्तियां लगानी है नट के साथ, ताकि ये मोटर चलते हुए हिले ना। अब हम इसको उसमें लगाते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, ये मैंने लगा दी हैं इसमें पंखड़ियां। दिखाता हूँ आपको, ये देखिए, ये यहाँ पे एक नट लगाया है, एक नट यहाँ लगाया है और दो नट हैं ये ऊपर सपोर्ट दिया मैंने पूरा। ये हिल भी नहीं गया बिल्कुल भी, इतना मैंने पक्का इसको लगाया है। अब इसको एक बार ट्राई करके देखते हैं कि चल रहा है कि नहीं। ये देखिए, चल रहा है। जैसा कि आप इसे देख पा रहे होंगे, मैंने इसे ब्लैक पेंट कर दिया है। अंदर से नहीं करा है क्योंकि अंदर से दिखाई नहीं देता, इसलिए बाहर बाहर से पेंट कर दिया है। अब हम इसमें लगाएंगे ये मोटर पानी की। ये जो कूलर वगैरह में लगती है मोटर है, अगर आपके पास नहीं है तो मैं वो भी बनाने के लिए बता दूंगा कि कैसे बनाते हैं मोटर। ये अगर है तो आप ये यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके पास पानी वाली मोटर नहीं है तो मैं बताता हूँ कैसे बनाना है। आपको चाहिए ऐसा एक ढक्कन, और जैसे कि वो मैंने पंखड़ी बनाई थी उसी टाइप में है ये, मगर प्लास्टिक का है। अगर आपके पास है तो ठीक है, नहीं तो आप वैसे बना सकते हैं जैसे मैंने वो पंखड़ी बनाई है इसकी। और चाहिए एक ढक्कन जो इसके ऊपर ऐसे कवर होगा। ये देखिए, हमने बना लिया है पानी का मोटर। इसके जो था मैंने इसके अंदर लगा दिया है, इसको पूरी तरीके से बंद कर दिया। एक छेद सिर्फ यहाँ पे करना है हमने बीच में, और एक छेद करना है साइड में। यहाँ से पानी निकलेगा, यहाँ से पानी जाएगा। इसके ऊपर हमने एक पाइप लगानी है। चलो लगाते हैं, फिर आपको दिखाता हूँ चला के इसको। जैसा कि आप देख रहे हैं, मैंने मोटर ऑन कर दिया। अब हम इसको पानी में डालते हैं और देखते हैं पानी आता है कि नहीं। ये देखिए, मैंने इसे पानी में डाल दिया है और ये पानी आ रहा है। ये देखिए, ये जा रहा है। जैसा कि आप देख रहे होंगे, मैंने इसमें पाइप लगा दी है। अब इसमें हम छेद करके पानी टपकेगा यहाँ से, और हम इसमें अब लगाते हैं ये पावर सप्लाई डीसी वोल्टेज। इसको लगाएंगे हम इसके अंदर और साथ में ही लगाएंगे अपना पानी का मोटर। चलिए लगाते हैं अब इन दोनों को। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, मैंने सारा कनेक्शन कर दिया है और ये मोटर लगा दी है, इसमें पाइप भी लगा दिया है और ये सब कनेक्शन हो गया। देखिए, पानी गिरने निकला है।
चारों तरफ से पानी गिर रहा है। पंखा भी मैंने रोक रखा है इसलिए। ये देखिए दोस्तों, हमारा कूलर बनके तैयार है। मैंने इसमें घास की जगह कपड़े लगाए हैं, क्योंकि लॉकडाउन हो रखा है, हम बाहर नहीं जा सकते, इस करके मैंने भी इसमें कपड़ा लगाया, और बाद में मैं इसमें घास लगाऊंगा। ये देखिए, इसमें मैंने ऐसे ही काम कर रखा है। अब आपको चला के दिखाता हूँ मैं इसको कि ये कैसे चल रहा है। देखिए आप देख पा रहे हो, ऊपर से पानी गिर रहा है, पंखा भी चल रहा है इतनी स्पीड पे, यहाँ तक हवा आ रही है, यहाँ भी आ रही है, मतलब काफ़ी ठीक ठाक हवा दे रहा है। और ये देखिए पानी चारों तरफ से गिर रहा है।